रामनवमी के पहले हनुमान जी को रिहाई मिल गई है पूरे 27 साल बाद। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आप सुनकर चौंक गए होंगे कि हनुमान जी की रिहाई रामनवमी के पहले। आखिर मामला क्या है? पूरा मामला आपको बताते हैं कि मामला क्या है। 27 सालों से हनुमान जी कैद में थे, भोजपुर के एक थाने में कैद थे वो, लेकिन अब उनकी रिहाई हो गई है। तो रामनवमी के पहले भगवान राम के सबसे बड़े भक्त, परम भक्त, अनन्य भक्त हनुमान रिहा हो गए हैं और लोग गाजे बाजे के साथ हनुमान जी को साथ ले जा रहे हैं। और हनुमान जी के साथ साथ रामानुज स्वामी भी हैं, वो भी यहाँ कैद थे, वो भी रिहा हो गए हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। ये भोजपुर जिले से जो रोचक मामला है सामने आया है। यहाँ हनुमान जी और रामानुज स्वामी करीब 27 साल तक पुलिस थाने में कैद थे। कैद थे यानी मालखाने में रखा गया था। दरअसल इनकी मूर्तियाँ थी, अष्ट धातु की कीमती मूर्तियाँ, वो यहाँ पड़ी हुई थी। एक दो सालों से नहीं बल्कि 27 सालों से। जी हाँ, 27 सालों से इनकी जो मूर्तियां यहाँ कैद थी। सालों बाद मंगलवार को इन मूर्तियों की रिहाई हुई तो चर्चा का विषय बन गई। जी हाँ, भगवान आ गए। भगवान जो कैद में पड़े हुए थे 27 सालों तक। भगवान के बारे में पूरी बात बताएं कि कृष्णगढ़ थाना, जो भोजपुर का कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र है, थाना है, के माल खाने में अष्ट धातु की कीमती मूर्ति हनुमान जी और रामानुज स्वामी को रखा गया था। इनको जमानतदार की तलाश थी। जी हाँ, एक दो साल से नहीं बल्कि 27 साल से इस मामले में जमानतदार की तलाश थी, इस वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। बरसों चले मुकदमे के बाद आखिर वह दिन आ ही गया कि भगवान रिहा हो गए, हनुमान रिहा हो गए, और वो भी ऐसे वक्त पर जब भगवान राम स्वयं जन्म लेने वाले हैं। रामनवमी है और रामनवमी के पहले हनुमान रिहा हो गए हैं, तो मौका खास था। गाजे बाजे के साथ लोग लेकर हनुमान जी की को जा रहे हैं। वो जो पुलिस कर्मियों ने गाजे बाजे के साथ हनुमान जी को विदा किया, 27 सालों से संभाल कर रखा था उन्होंने। अष्ट धातु की कीमती मूर्ति थी, भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने के मालखाने में ये कैद थी और मंगलवार की शाम इन्हें रिहाई मिल गई। भगवान निकले और उनके जो गाजे बाजे के साथ ऐतिहासिक रंगनाथ मंदिर लाया गया इन मूर्तियों को। वहाँ पर ये मूर्तियाँ हम आपको बताएं कि चोरों से बरामद की गई थी पिछले 27 साल पहले और तब से थाने के मालखाने में ही पड़ी रही। यह मूर्ति कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव के ऐतिहासिक रंगनाथ मंदिर से चोरी की गई थी। बताया जा रहा है 1994 के जून महीने में कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव स्थित रंगनाथ मंदिर से चोरों ने इन कीमती मूर्तियों को चुरा लिया था। और पुलिस ने जब छानबीन की थी उस वक्त, तो एक सप्ताह के अंदर गौसगंज इलाके के बगीचे से, कुएं से इन चोरी की गई मूर्तियों को बरामद कर लिया गया था। उस समय इन कीमती मूर्तियों की जमानत के लिए 42 लाख रुपये के जमानतदार की मांग की गई थी। तब जमानतदार कोई मिला नहीं। उस वक्त 42 लाख रुपये कौन दे और भगवान को कौन छुड़ाए, तो मामला फंस गया। भगवान वही मालखाने में पड़े रह गए। तो उसके बाद जमानतदार नहीं मिले तो मालखाने में पड़ी रही। लंबे समय तक ये मुकदमा चलता रहा और काफ़ी लंबे मुकदमे के बाद आदेश मिलने के बाद इन्हें थाने के मालखाने से निकाला गया। बरसों तक इंतजार करने के बाद आखिर वो शुभ घड़ी आ गई। रामनवमी का वक्त है, रामनवमी की तैयारियां चल रही है, कल रामनवमी मनाई जाएगी और उसके पहले हनुमान जी रिहा हो गए हैं। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान रिहा हो गए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।